واستقاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في موصل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفي إمام من إلا وفرج الله همه ولا مغموما إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكز الله حاجته وقال علي جان يزو الله حزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فعزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب القابة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعل في فرج وليك العجل 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 يا صاحب الزمان يا حجة القائم يا أبا سالم أدركنا ولا تهلكنا بحق جدتك فاطمة الزهراء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين नुकसान अली दिया दीनियां दा बहु की तरुम मत कर बदरिच नुकसान अली दिया दीनियां दा किता तेरा जर बानाल कतल किता तेरा जर बानाल कतल कुरान अली दिया दीनियां दा बहु की तयम मत कर बदरिच नुकसान अली दिया दीनियां दा एशिमर शकी ऐलान किता हुण चादर लाणिया सोखियां ने बाजू कटवा के जण पियाए बाजू कटवा के जण पियाए निगरान अली दियां दीनियां दा बहु की उम्मत कर बदरिच नुकसान अली दिया दीनियां दा शाम गरीबा लुट पै गई सड़कें में गए परदेसियां दे शाम गरीबा लुट पै गई सड़कें में गए परदेसियां दे विच फौजां दे तकसीम होया विच फौजां दे तकसीम होया सामान अली दियां दीनियां दा बहु की तयम्मद कर बदरिच नुकसान अली दियां दीनियां दा इंज खातिर पाके हद कड़ियां इंज टुरियां विच बाजारां दे रहमान कदी नहीं ला सकदा रहमान कदी नहीं ला सकदा एहसान अली दियां दीनियां दा बहु की तयम मत कर बदरिच नुकसान अली दियां दीनियां दा
जिंदान दे विच देता देनो ना कर दिया सजदा पाक सनी दो जग दा काबा बने जांदा दो जग दा काबा बने जांदा जिंदान अली दियां दियां दा मौकी तय उम्मत कर्बल विच अरे पासे चोर बुलंद होया हर एक ने पत्थर संभाल ले जद होया साकिब शाम दे विच जद होया साकिब शाम दे विच ऐलान अली दियां दियां दा बहुकी तय उम्मत कर्बल विच नुकसान अली दियां दियां दा पिता तेरा जरबा नाल कतल पिता तेरा जरबा नाल कतल कुरान अली दियां दियां दा बहुकी रो चुके जब जोर तक हुसैन 72 को रो चुके एक दो पहर में थोड़े से लश्कर को रो चुके एक दो पहर असगर को रो चुके और याकूब की तरह अली अकबर को रो चुके याकूब की तमाम अज़ादालों से गुजारिश है कि वो आगे तशरीफ लाएं ताकि पीछे अफराद जो खड़े हुए बैठने के लिए जगह मिले।
गुजारिश है कि तमाम आजादारान आगे तशरीफ ले आए। किबला साहब की पेशखानी के लिए चार मिसरे उलझे हुए थे, खून में गैसु हुसैन थे, उलझे हुए थे खून में गैसु हुसैन के, तीरों ने छान डाले थे पहलू हुसैन, चलते थे चार समत से भाले हुसैन पर, चलते थे चार समत से भाले हुसैन पर, टूटे हुए थे बर्छियों वाले हुसैन पर, कातिल थे खंजरों को निकाले हुसैन पर, ये दुख नबी की गोद के पाले हुसैन पर, ये तीरे सितम निकालने वाला कोई न था, गिरते थे और संभालने वाला कोई न था, मक्तल से आई फातिमा जहरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया वा मोहम्मद, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब अल्लामा गुलफाम हुसैन हाशमी साहब से कि वो मिंबर पे तशरीफ लाएं और अज़ादारों को बताएं कि कैसे मुसलमानों ने रसूल की औलाद को प्यासा ज़िबा किया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق إنا لله وإنا إليه راجعون साहिबान अदा साहिबान गम, ये जिस वक्त में आप बैठ कर रबे हुसैन में रो रहे हैं, आज का ये दिन और आज का ये वक्त किसी किस्म के जिक्र करने का मोहताज नहीं है। सिर्फ आप एक तसव्वुर अपनी आंखों के सामने लाएं कि ये वक्त वो वक्त है जब रसूल के सर से ताज उतर गए, ये वक्त वो वक्त है जब सैयदा बतूम को पहलू का दर्द फूल गया, ये वक्त वो वक्त है जब जनाब बीबी उम्मे सलमा ने मुंह सर पीटते हुए कहा कि ऐ बनी हाशिम आज तुम्हारा करबला में सरदार मारा गया, आज बतूल का घराना लुट गया। जब पूछा गया बीबी आपको कैसे इल्म हुआ है तो मूसर पीटते हुए कहा रसूल पाक जो मुझे खाके करबला देकर गए थे, फरमा कर गए थे उम्मे सलमा यौम आशूर सन 61 हिजरी नमाज जोहरैन के बाद इस खाक को देखना, अगर ये खून बन जाए तो समझ लेना मोहब्बत का चिराग बुझ गया। अब तो मैं नमाज जोहरैन के बाद सोई, मैंने ख्वाब में देखा रसूल पाक को कि आपके सर से ताज उतरा हुआ है,
दलाल की जुल्फों में खाक है, रीशे मुकद्दस पर खून के कतरे हैं, आंखों में आंसू हैं। मैंने हाथ बांधकर ख्वाब में रोते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, जब आपका विसाल हुआ था उस वक्त तो आपकी ये शक्ल सूरत नहीं थी। रसूल ने रोकर फरमाया, उम्मे सलमा जा, जाकर उस खाक भरी शीशी को देख जो मैं तुझे खाक देकर गया था। अब जो मैंने जाकर देखा वो खाक खून बन चुकी है। मालूम हो गया जहरा का घर उजड़ गया। तो ये वक्त वो वक्त है जिसके लिए सिर्फ आंखों में तसब्बुर लाने की जरूरत है। आज ही का दिन है, यौम आशूर है, मदीना मुनव्वरा में आपके और मेरे पांचवें आका अजादारों में बैठकर अपने दादे की शहादत का जिक्र कर रहे हैं, खुद भी रो रहे हैं, मोमिनीन भी मुसर पर मातम कर रहे हैं। किसी मोमिन ने अर्ज कर दिया, मौला मजलूम तो दुनिया में बड़े गुजरे हैं, लेकिन आप हर वक्त जब भी दादा के गम में रोते हैं आप नाम नहीं लेते बल्कि कहते हैं मेरा मजलूम दादा। जब उसने ये गुजारिश की इमाम और ज्यादा रोए, रोकर फरमाया, तुझे क्या पता, فَإِنَّهُ صُبِحَ كَمَا يُصْبِحُ الْفَجْرُ, मेरा दादा मजलूम ऐसे जिबा किया गया जैसे छुरी के नीचे जानवर जिबा किया जाता है। जहां तक रिवायत मिलती है कि मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि मेरे नाना की तबलीग इस्लाम से पहले जब कुफार किसी गोसफंद को जिबा करना चाहते थे तो वो छुरी से जिबा नहीं करते थे बल्कि उसे दरमियान में खड़ा करके चारों तरफ उसको घेरे में ले लेते थे। एक दस्ते के हाथ में तलवारें होती थी, एक दस्ते के हाथ में नेजे होते थे, एक दस्ते के हाथ में तीर होते थे, एक दस्ते के हाथ में पत्थर होते थे। दरमियान में वो गोसफंद होता था, जानवर होता था, जिस तरफ रुख करता कोई उसे नेजा मारता, कोई उसे तीर मारता, कोई उसे पत्थर मारता। हाय करबला, यही मेरे मजलूम दादा हुसैन के साथ जालिमों ने जुल्म किया कि चारों तरफ से घेरे में लेकर मेरे दादा पर इतने तीर बरसाए, इतने नेजे मारे, इतनी तलवारें मारी, इतने पत्थर मारे कि मेरे दादा के, मजलूम दादा के जिस्मे मुबारका पर इतने जख्म पड़ गए और इतने सुराख हो गए कि जब हवा चलती थी तो जख्मों के आर पार हो जाती थी। हाय वो वक्त कयामत जब हुसैन ने मैदान में निदा दी, हल में नासिर जम छोड़ना है, कोई ऐसा जो हम मजलूमों की इमदाद करे, गरीबों की मदद करे। सबसे पहले शहदा की आवाज गूंजी, जहरा का लाल दोबारा जिंदगी दिलवा दे, हम हाजिर हैं। इस निदा के साथ साथ खैमागाह से उस बहन की आवाज आई जो शरीकतुल हुसैन बनकर आई थी, पुकार कर का हुसैन आ खैमे के अंदर चला। जैसी मदद चाहते हैं बहन हाजिर है। जहरा का लाल चला, खून में डूबा हुआ हुसैन जब आकर खैमागाह के दरवाजे पे रुका, बड़ी नहीव आवाज के साथ इमाम ने आवाज देकर कहा, या ज़ैनबो, या उम्मा कुलसूम, या रुकैयतो, या सकीनतो, अलैकुन्ना बिलिस्सलाम। जब इमाम ने सलाम आखिर किया, सैयदा की धाड़े निकल गई, रोकर कहा, जहरा का लाल अंदर चला। जब हुसैन पहुंचे, अब ये पढ़ा जाता है कि सैयदा ने रोते हुए कहा, हुसैन बेशक नाने की शरीयत में औरतों पर जिहाद साकित है, लेकिन अगर तेरा हुक्म हो, तेरी फौज मारी गई है, ज़ैनब की फौज मौजूद है। सैयदा ने इमाम सैद अलैहिस्सलाम की तरफ देख कर कहा, जहरा का लाल, ये मजलूमियत की आवाज बुलंद रखा, कहा, बहन मैं आखिरी सलाम करने आया हूं, अगर हो सके
तो मुझे एक पुराना लिबास दे दो। पुराने लिबास का नाम आना था। सैयदा तड़प गई, कहा बहन इस कदर बेकरारी। कहा माँ ने वसीयत की थी कि जब जैनब करबला में हुसैन तुझसे पुराना लिबास मांगे तो समझ लेना मेरा बेटा जाके वापस नहीं आएगा। उसकी प्यासी गर्दन का बोसा ले लेना। जब कहा ना प्यासी गर्दन का बोसा ले लेना, कहा भैया गर्दन झुकाओ ताकि बहन माँ जहरा की वसीयत को पूरा करे। इमाम ने खुश गर्दन झुकाई, बीबी रोते रोते झुकती झुकती झुक गई। भाई के खुश गले का बोसा लिया, अभी लिया ही था या हुसैन की आंखों से आंसू बरसे। आवाज देकर कहा सानिये जहरा उम्मल मसाइब शरीकतुल हुसैन, जरा आंखें बंद करके अपने सर से चादर तो हटा, अपने सर से रिदा तो हटा। हुसैन खैर है? कहा जिस तरह माँ ने तुझे वसीयत की थी कि भाई के गले का बोसा ले लेना, इसी तरह मुझे भी अपने सर का बोसा लेने दे। मुझे मालूम है मेरे बाद बाजारों और दरबारों में हर तरफ बढ़ाने का तो हुसैन जब चलने लगे, इमाम रुक कर कहते हैं जैनब बहन जी हुसैन मुस्तुम बहन कहो भैया रुकैया बहन जी मौला बीबियो आओ मेरे साथ आओ। मौला कहाँ आए? फरमाया सज्जाद के कमरे में। जब तमाम बीबियां मौला के साथ सैयद सज्जाद के खैमे में पहुंची तो हालत क्या थी? जनाबे सज्जाद की आंखें बंद, गर्दन एक तरफ लटकी हुई है, बिस्तर बीमारी पे सज्जाद है। हुसैन जाकर दो जानू होकर बेटे के सिराने बैठे, पेशानी पे हाथ रखा, हाथ रखकर फरमाते सज्जाद सज्जाद आंखें खोल न खोल तेरी मर्जी, आज के बाद मजलूम बाबा मिलने नहीं आएगा। मरहबा मरहबा मरहबा, जो बतूल को रोने की तमन्ना लेके दिल में बैठे हुए हो आओ बतूल को मिलकर पुरछा दे दे। सज्जाद आंखें खोल ना खोल तेरी मर्जी, आज के बाद गरीब बाबा मिलने नहीं आएगा। अब जो सज्जाद की आंखें खुली, बाबा को सर से लेकर पांव तक खून में डूबा हुआ पाया। तड़प कर कहते हैं बाबा गुसल तो पानी के साथ किया जाता है, आप खून में नहाए हुए। सैयद दादा रो कर कहते हो मेरा लाल जिसका कोई वारिस ना रहे उसे दुश्मन इसी तरह लूटते हैं। जब कहा कोई वारिस ना रहे, अदादारों सबसे पहला जो फितरा जनाबे सज्जाद ने अदा किया है वो ये है, और रो कर कहते हैं बाबा जान एना एना अम्मी अल्लाह मेरा चचा पास कहा गया। जरा अंदाजा लगाओ कितना नाज था सैयदों को जनाबे अब्बास पर, कितना भरोसा था जनाबे अब्बास पर। हुसैन रोकर फरमाते बेटा तेरा चचा दोनों बाजू कटाकर मेरी कमर तोड़कर दरिया के किनारे सो गया। बाबा मेरा भाई अली अकबर, कहा सीने में दे दे कि अली खगर मेरी आंखों का नूर गुम कर गए, वो भी मैदान में सो गया। एक एक का सज्जाद पूछते गए, हुसैन बताते गए। थोड़ी देर के बाद सज्जाद उठकर बैठ गए। अब बाबा से नहीं पूछा सज्जाद ने क्या किया, एक एक बीबी की गोद को देखना शुरू किया। क्या अभी मैं पढ़ूं आप सुनकर रोएंगे? मैंने पहले अर्ज किया था आज पढ़ने की जरूरत नहीं है। सज्जाद ने बाबा से कुछ नहीं कहा, एक एक मस्तूर की गोद को देखना शुरू किया। जब हर बीबी की गोद खाली नजर आई, सैयद सज्जाद ने झूला देखा, झूला भी खाली नजर आया। और छोटी छोटी औलादों वालों, सैयदा रुबाब तड़प कर कहती है सज्जाद सज्जाद रो भी रहा है, कुछ देख भी रहा है, क्या तलाश कर रहा है। रो के कहा अम्मा चचा अब्बास मर्द थे, अकबर जवान था, कासिम जवान था,
मैदान में गए मारे गए, लेकिन झूला भी खाली है, बीबियों की गोदियां भी खाली है, मेरा अली असगर कहा गया? जब कहा मेरा अली असगर कहा गया, हुसैन की थाड़े निकल गई, रोके कहा मेरा लाल, असगर भी तीर का पानी पी के मैदान में सो गया। बाबा असगर भी शहीद हो गया? हाँ मेरा लाल, तड़प कर उठी, एदा संभाल, एदे पे हाथ रखा। इमाम फरमाते सज्जाद क्या करते हो? कहा बाबा जान फिर मुझे भी इजाजत दो, मैं भी मैदान में जाता हूँ। इमाम फरमाते सज्जाद जिहाद के मैदान है दो, एक मैदान है जिहाद का नाम है जिहाद असगर, और एक मैदान है जिहाद का नाम है जिहाद अकबर। और मेरा लाल तूने जिहाद असगर नहीं लड़ना, तूने जिहाद अकबर लड़ना है। बाबा जान दोनों में फर्क? कहा बेटा 3 दिन का भूखा प्यासा रहकर दुश्मनों के घेरे में जाकर तलवार चलाकर नेदे और तीर खाकर मैदान में गिरकर रेते गरम पर सो जाना, ये है जिहाद असगर। और बाबा जिहाद अकबर, बेटा गले में तोक, पांव में बेड़िया, हाथों में लोहे की जंजीरें, साथ माए और बहने फूले सर, बगैर चादर इन्हें बाजारों और दरबारों में ले जाना, ये है जिहादे अकबर। सज्जाद तूने जिहादे अकबर लड़ना है। चीख मारी, सज्जाद जमीन पर गिरे, हुसैन ने पेशानी चूमी, तमाम बीबियों को अलविदाई सलाम किया। सकीना आगे बढ़ी, बाबे के कदमों का बोसा लेकर कहती है बाबा बाबा मैं जाने से नहीं रोकती, बेशक चले जाओ, लेकिन मुझे इतना बताओ आपके बाद मुझे अपने सीने पे कौन झुलाए? मेरे हाथ पर मेरे सर पर दस्ते शफकत रखते जाओ। इमाम ने सबको अलविदाई सलाम किया, हर तरफ से निदा गूंजी, अलफिराक अलविदा अलफिराक अलविदा। जब हुसैन आए ना मुर्तजिस के करीब, अब हुसैन ने दाएं देखा बाएं देखा, गरीब ज़हरा को कोई नासर कोई मददगार कोई रिकाबे पकड़कर सवार कराने वाला नजर नहीं आया। हुसैन का रुख फिर गया मैदान की तरफ, आवाज देकर कहते हो मेरे यारो ओ मेरे अंसारो, अब्बास अकबर आनो मोहम्मद ओ कासिम, तुम कहां सो गए हो? हाय मेरी गुर्बत, जब मैं मुर्तजिस के करीब आता था चारों तरफ से आगे बढ़कर सीन के करीब आकर रिकाबे पकड़कर मुझे सवार कराते थे, आज मुझे कोई सवार कराने वाला भी नहीं है। अल्लामा दरबंदी अलैहिर्रहमा लिखते हैं हुसैन का इतना कहना था कि बीबियों में कयामत है, रोने की आवाज बुलंद हुई, एक खातून ने रिकाब के दाएं तरफ हाथ रखा, एक बीबी ने दूसरी रिकाब में हाथ रखा, एक बीबी ने घोड़े की लजाम पकड़ी। हुसैन जानते थे विदाहत गम के लिए कहा, कौन हो मजलूम को सवार कराने वाले? उन बीबियों की धाड़े निकल गई, जिसने लजाम पकड़ी थी उसने रोकर कहा मौला मैं तेरे अब्बास की बेवा। मैं तेरे गुलाम की बेवा लुबाबा हूं। दाएं तरफ इमाम देख कर कहते आप कौन है? कहा मौला मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं कासिम की माँ तेरी बड़ी भावज बेवा उम्मे फरवा हूं। अब जो मौला ने बाएं देखा, अब पूछा नहीं, बेसाख्ता हुसैन की आंखों से आंसू जारी हो गए, आवाज देकर कहते बहन तूने भी ये सदमा उठाना था? हुसैन सवार हुए, असादारों रोने वालों मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सवार तो बहनों ने करा दिया, बस मैं आगे नहीं पढ़ता, मैं फिर कहूंगा। आप गर्मी में बैठे हैं, हवस में बैठे हैं, लेकिन फिर भी साया तो है, अभी उठकर बाहर जाएंगे, पानी की सबीले लगी हुई है,
दूध की सबीले लगी हुई है, मिन्नतें करके आपको पानी पिला रहे, शरबत और दूध पिला रहे हैं, लेकिन हाय करबला, हाय दारा का प्यासा उठे, जो रो रो के कह रहे हैं लोगों एक घूंट, मरहबा मरहबा मरहबा। अल्लाह अकबर। सवार तो बहनों ने करा दिया, लेकिन उतारा किसने? कैसे हुसैन मैदान में पहुंचे? इमाम के हमलों के बाद जब हमले रुक गए, आवाज कुदरत आई, या अय्यतुह नफ्स मुतमाइन्न तुर्जई इला रब्बिक राजिया तमर्जिया, ए नफ्स मुतमाइन्न अब रजू कर अपने रब की तरफ। इमाम ने तलवार को रोका, रोक कर कहते हैं शामियो सूफियो यजीदियो कितना सहरा के लाल को मार सकते हो, मार लो। अब हुसैन किसी को कुछ नहीं कहेगा, किसी ने नेजा मारा, किसी ने गुर्द मारा, किसी ने तलवार मारी, सहरा का लाल दौड़ते हुए घोड़े की सींग से जमीन पर उतरा। ना मैं जल्दी नहीं करूंगा, ये रोने का दिन है, अदादारी का दिन है, मैं फिर कहूंगा, सीन जब घोड़े की जीन से सवार नीचे आता है वो उतरता नहीं। मैंने अदब के एतबार से उतरना कहा है। ज़ाहरा का लाल जख्मों से चूर चूर होकर घोड़े की जीन से रेत गरम पर उतरा। कैसे उतरे? थोड़ी देर रेत गरम पर रहे, हुसैन उठे, अभी उठे ही थे या इमाम के दाएं बाजू पर साले बिन बाप मदनी ने तलवार का बार किया, तलवार का लगना था। हुसैन आवाज देकर कहते अब्बास, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अब्बास जब तेरे बाबू कलम हुए थे मैं देखने वाला मौजूद था, आगरा हुसैन को देख कि सहरा का लाल कैसे लूटा जा रहा है। एक और जालिम आगे बढ़ा जिसने हुसैन की हलक पर तीर मारा, तीर का लगना था, मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, सहरा के लाल का रुख फिर गया मदीने की तरफ, आवाज देकर कहते हैं अम्मा, रोलो रोलो, आज रोने का दिन है, आज अदादारी का दिन है। मेरे मौला फरमाते हैं अगर किसी को रोना ना आए तो रोने वालों की शक्ल जरूर बनाए। अल्लाह अकबर। अम्मा देख तेरा बेटा किस तरह लूटा जा रहा है। हुसैन फिर रुके, रुक कर फिर चले, अभी चले ही थे या होली मलून ने हुसैन के सर पर गुर्द मारा, गुर्द का लगना था, अब हुसैन संभल न सका, हुसैन जमीन पर गिरा, गिर के फिर उठे। मुझे माफ कर देना अगर किसी के लिए ये रिवायत सख्त हो, मैं दरबंदी अलैहिर्रहमा और बाकी कुतुब का हवाला दे रहा हूं। जैसे हुसैन गिरे थोड़ी देर के बाद हुसैन फिर उठे, अभी उठे ही थे जब सनान बिन अनस मलून ने हुसैन के सीने में जोर से नेजा मारा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कुछ लोग सोच रहे हैं रोएं या ना रोएं, यार ये तो बतूल देख रही है, ये तो रसूल देख रहे हैं, ये तो उस घराने को बुरखा देना है। इस सालिम ने जोर से नेजा मारा, नेजे का लगना था, नेजे की अनी हुसैन के कमर के पार से गुजर गई। अब हुसैन खड़ा नहीं रह सका, सहरा का लाल जमीन पर गिरा, थोड़ी देर जमीन पर गिरे रहे, हालत क्या थी मैंने पहले माफी मांग ली है। नेजा खाकर जब हुसैन जमीन पर गिरे हैं, पत्तफती साहब किस्सा, किस तरह छुरी के नीचे सिबा होने वाला जानवर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे मौला फरमाते हमारे गम में इस तरह रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान
बेटे के लाश पे रोती है। हालत क्या है हुसैन? बदतफती शाह को बेसाथ, जिस तरह सिबा होने वाला जानवर जमीन पर अपनी एरिया रगड़ता है, इसी तरह हुसैन ने जमीन पर अपने पांव मारे। आखिरी कलिमात पढ़ने से पहले मैं इन रोने वालों से ये पूछना चाहता हूं, जब हुसैन जमीन पर गिरकर रेते गरम पर अपनी एड़ियां रगड़ रहा था, उस वक्त गरीब की बहनें कहां थी? मजलूम के हरम कहां थे? सकीना और कुबरा कहां थी? कुछ देर के बाद हुसैन रेते गरम से उठे, जब उठे क्यों इमाम कमर के पीछे नेजे में हाथ डाला, हाथ डालकर इमाम ने नेजा निकाला, जैसे ही नेजा निकाला सीने से खून का फव्वारा निकला, इतना खून निकला कि जितना खून इमाम के सीने से झटकर निकल सकता था, जब निकला हुसैन पे असर क्या हुआ? एक जू आपकी बेटों ने मातम करना है। मैं ज्यादा देर नहीं पढ़ता, पूरी शहादत नहीं पढ़ता, बस आखिरी जुमले ले लो ताकि मेरे बेटे मातम करे। खून का बहना था, हालत क्या हुई? गरीब ज़ाहरा का मुंह एक यूं, अल्लाह जाने मैंने क्या कर दिया और आप क्यों चुप कर गए? एक दो मिनट बैठ जाओ, दो मिनट मुझे दे दो। हुसैन के मुंह का खुलना था, बनी तारक के कबीले का एक तीर, और बेटा बैठ जा बेटा बनी तारम के कबीले का एक तीरंदाज अपनी कमान में तीर लेके खड़ा था, जैसे हुसैन का मुंह खुला, हाय 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 हाय, जैसे हुसैन का मुंह खुला, और बतूल के बेटे के दम में रोने वालों, इसने निशाना बांधा, निशाना बांध कर इसने तीर छोड़ा, हुसैन की जबान चीरता हुआ तीर तालू में लगा, ठेकेदार ज़ैनब की आवाज आई, वाह मोहम्मद, वाह अली, वाह हुसैन, वाह हुसैन।